आगे आगे लगी। ये तो नीचे ले। श्रद्धालुओं के नाल भरी एक बस नू अचानक अग लगी है, जिसके कारण 8 श्रद्धालु ज्यूंदे ही जल गए ने। दस दिए कि जिसके कारण उन्हां दी मौत हो गई है, जबकि 2 दर्जन तो वध श्रद्धालु इस अग लगन के कारण जख्मी हुए ने ते उन्हां नू इलाज के लिए हस्पताल दे विच दाखिल करवाया गया। हालांकि अग लगन दीआं तस्वीरां भी सामने आईया ने, जिस दे विच साफ देखा जा सकता है कि जो बस है वह धू धू के जल्दी नज़र आ रही है। तो कहा जा रहा है कि इस अग दे विच बस का कोई भी हिस्सा नहीं बचा, जिसके कारण बस सड़ के सुआह हो गई है। तो जानकारी अनुसार कहा जा रहा है कि 60 के करीब श्रद्धालु इस बस दे विच सवार होकर धार्मिक स्थानों की यात्रा से निकले हुए सी, ते जो वापसी कर रहे थे वृंदावन तो रस्ते दे विच मेवात दे विच कहा जा रहा है कि अचानक ही बस नू अग लग गई। हालांकि जो बस दे विच अग लगी तो कई लोगों ने ड्राइवर नू रुकण का इशारा भी किया, पर ड्राइवर इस गल नू नहीं समझ सकिया। तो चलती हुई अग की बस जदों गोला बन गई तो उस तो बाद दे विच ड्राइवर दे वल्लों इस बस नू रोकया गया। हालांकि एक बाइक सवार शख्स जदों बस के अगे आके मोटरसाइकिल खड़ा दिंदा है, तो उसके वल्लों जदों इशारा किया जाता है ड्राइवर नू, तां बस दे विच भयानक अग लग जाती है, जिसके कारण कहा जा रहा है कि 8 सवारियां इस बस दे विच जीवदियां ही सड़ गई ने। तां धार्मिक स्थान के लिए ये सारे निकले हुए सी वृंदावन मथुरा अते बनारस तो यह वापसी कर रहे थे, रस्ते दे विच मेवात दे कोल ये भयानक अग लगी है, जिसके कारण 8 श्रद्धालु जीवदे ही सड़ गए ने। आठ नौ दिन से निकले हुए थे, काशी हम अभी वृंदावन से आ रहे थे। क्या हुआ था रात को? पता नहीं, हम तो मैं जाग रही थी, थोड़ा सो रही थी, जाग रही थी तो थोड़ी नीचे से आवाज आ रही थी, कड़कड़ कड़कड़ की आवाज। मैंने कहा शायद किसी मेन रोड पे चढ़ा रहे हैं तो नीचे से सड़क खराब होगी, तो लेकिन सड़क खराब नहीं, तो पता लगा आगे जाके एक कहती कि मुझे लगा स्मेल भी आ रही है थोड़ी, लेकिन वो गाड़ी को आगे लपटे लगी थी कोई बाइक वाला, पीछे से कहते 10 किलोमीटर से वो आग लगी हुई थी, पीछे से वो आ रहा था बंदा बाइक पे। जब ये गाड़ी की लपटे ज़्यादा हो गई तो उसने आगे बाइक रोक दिया कि तुम्हारी गाड़ी को आग लगी हुई है, तो हमें फटाफट बचाया। हम आगे बैठे हुए थे 2-3 सीट छोड़ के, हमने जंप किया आग के बीच में से ही, लेकिन बचाव हो गया। कितने लोग सवार थे इसमें? 60 से अब थे, बड़ी गाड़ी थी, 60 से ऊपर। कहाँ के रहने वाले थे सभी ये? सभी लोग होशियारपुर के रहने वाले थे, हमारे रिलेटिव था सभी, हम लुधियाना से रहने वाले हैं। मतलब वो सब पंजाब के थे? सब सभी पंजाब के थे, वापस जा रहे थे अपने। हाँ, वापस जा रहे थे 8 दिन के बाद, 9 दिन। इसमें आग लग रही थी, आग ही तेज थी, थोड़ी थोड़ी लग रही है आग, इस स्ट्रीम के बराबर चलती में चलती में। हाँ, मैंने इसका आग है तो मैंने हाथ भी गिरा, बीच रोड पर आ गया तो मैं इसका आगे ड्राइवर ने डांटी ना, फिर एक बाइक वाला आया था बराबर में, उसने इससे बोला, जैसे इसने डांटा हम इसके पीछे ही भाग रहे थे, हमने जैसे शीशा फोड़े, गिड़ मारी थी, गिड़ से नहीं फूटे शीशा, इसमें से लाए हम बांस, क्रोन से शीशा फोड़े, जैसे हमने शीशा फोड़े थे लोगों को निकालने के लिए, निकालने के लिए जैसे शीशा फोड़े, फिर इसमें और ज्यादा आग लग गई थी। अच्छा, बहरबानी जैसे लिखा 10-5 हमने खींच के बाहर फेंकी, फिर इसके बाद कंट्रोल ना हुई आग, हम पीछे हट गए, पानी भी लाए थे लेकिन पानी से उससे फिर पुलिस को सूचना दी आप लोग? पुलिस ने सूचना दी, पुलिस 3 घंटे बाद आई थी जब पूरी बस खाक हो गई जड़ के। फायर ब्रिगेड की कितनी गाड़ी आई? 4 गाड़ी आई थी, वो आई थी 3 घंटे बाद आई थी कम से कम, जब आग बिल्कुल शांत हो गई थी जब आई थी बिल्कुल। मतलब इस हादसे में जो शिकार हुए इसमें बच्चे और महिलाएं? 2 बच्चे थे, हाँ इसमें 2 बच्चे थे और बड़े लोग इसमें।